ये अपोलो मेडिक्स में हमने जो किया है ये केस, ये डिवाइस यूपी का पहला ऐसा डिवाइस इम्प्लांट हुआ है। इट्स अ ब्लूटूथ एनेबल्ड रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट प्रोग्रामेबल CRTD। कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को होता है तो वो डिवाइस का मोबाइल में आ जाता है और मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ तो सारा का सारा उनका मशीन का डेटा मेरे पास आता रहता है एंड हम यहाँ से रिमोट प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं डिवाइस की, जिससे कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाए। हमको ना पूरी रात नींद नहीं आती थी, सांस इतनी फूलती थी कि बैठे रहते थे हम पूरी रात और कुछ खा भी नहीं पा रहे थे और जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो हम थक जाते थे। तभी तो उनकी मैं समझता हूँ लास्ट एक साल से करीब उनको प्रॉब्लम थी। वो फ्रैंक हार्ट फेलियर में थी, उनके लंग्स में पानी भरा हुआ था, वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब हमने उन्हें इवेलुएट किया तो उनके ECG में कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक हार्ट में करंट का प्रॉब्लम होता है वो था, और इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का पंपिंग करीब 25-30% था सिर्फ। तो इनका ओवरऑल क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारा था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ऐसे में जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी विद डीफिब्रिलेशन या फिर CRTD या सिंपल वर्ड्स में कॉम्बो डिवाइस। एक तरह का ये एडवांस्ड पेसमेकर होता है जिसकी 3 लीड्स हार्ट के अंदर जाती हैं और उससे हार्ट का पंपिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करता है। CRTD डिवाइस जो है इन्होंने वो जो है बताया कि ये डिवाइस एक जो है लगेगी तो उससे तो सेल्फ फील बेटर। पूनम जी के केस में हमने जो डिवाइस यूज़ किया वो एकदम वर्ल्ड का लेटेस्ट डिवाइस है, विच इज़ एन अमेजिंग एडवांसमेंट विच विल बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर। बहुत अपील किया इनका हर चीज़ जो है डॉक्टर साहब की, बहुत अच्छा, इसीलिए हमने इनको सजेस्ट किया कि इन्हीं से करवाना है ऑपरेशन। पेशेंट इज एब्सोल्युटली स्टेबल, टॉलरेटिंग द डिवाइस वेरी वेल और कल हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट्स को 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं।